सो गाइस अब हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने आए थे। यहीं पे एक रेस्टोरेंट है परांठा किंग, ठीक है, देख सकते हैं ये सामने है। यहाँ पे ओएसिस मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, पूर दुबई में। तो यहाँ पे हम आए थे परांठा किंग, इनकी बात करें तो इन्होंने कहा 100 वेराइटी आपको यहाँ पे मिलेगी स्टफ परांठास की। आप यहाँ पे परांठे देखिए किस तरह के, 7 ग्रीन्स परांठा, इटालियन परांठा भाई साहब, हरा भरा परांठा, पनीर टिक्का परांठा, अरे ऐसे हमने सुने भी नहीं, कॉकटेल परांठा भाई साहब। अब ये देखिए दुनिया ख़त्म इसके बाद, चॉकलेट परांठा, क्या करें भैया, तो चॉकलेट लवर्स के लिए तो यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी तो नॉर्मल है, बट कोई वो हमें यार दिखा नहीं, आलू परांठा, गोभी परांठा, बाकी देख सकते हैं। हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे आलू प्याज परांठा, तो देखिए यार साइज़ तो फिर भी यहाँ पे ठीक है, बढ़िया ही है, जैसे आपको रोटी का साइज़ दिखाया था इसका भी बड़ा है। साथ में चाय ऑर्डर करी, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे दही दिया और साथ में चने की सब्ज़ी, और ये सारा कुछ हमें ओवरऑल पड़ा है यहाँ पे, ये नियरली अबाउट हमें 300 रुपये तक का ये सारा हमें पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अमूल बटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसके साथ पिकल भी हमें दिए यहाँ पे। सो गाइज आज 4th डे है, ठीक है, इस ब्लॉग में हम यहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों डेजर्ट सफारी करने, ठीक है। तो टाइम जो था वो 3:30 का था, तो अब हम होटल से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं डेजर्ट सफारी में, वहाँ का जो भी सीन एक्सपीरियंस होगा आपसे शेयर करेंगे। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है, और आप बैक साइड देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्राउड है, इसी के वहाँ पे बैक में अगर हम बात करें वहीं पे डेजर्ट्स बने हुए हैं और वहीं पे जो भी एक्टिविटी होगी तो वो सभी आपको एक्टिविटी दिखाएंगे। तो यहीं पर आप कुछ सामान भी यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे शॉपिंग का सीन है। अभी यहाँ पे बीच में रुके थे हम, यहाँ डेजर्ट पे आप देख सकते हैं डेजर्ट का गर्मी बहुत है। प्लीज अभी हम यहाँ रुके थे फोटोशूट के लिए, ठीक है, उसके बाद ठीक है, फुल मजा आया यार ये अगर आप दुबई आते ना ये एक्सपीरियंस
मुंबई जब भी आए आप यहाँ डेजर्ट सफारी में, ये तो ये मकी होगी या तो वो दूसरी होगी डर्ट बाइक, आप जरूर यहाँ पे एक्सपीरियंस करी एक बार। गाइस कुछ बाज का यहाँ पे आपको पता सीन होता है ना, बाज को फिर रख के फोटो खिंचवाते हैं, वो भी सीन हमने किया जिसका इन्होंने तकरीबन 15 दिरहम हमसे यहाँ पे चार्ज लिया। सो गाइस ये आ गई दूसरी एंटी उसकी राइट। तो 4x4 कार्स का अच्छा यूज करते हैं यहाँ पे। अकेला यहाँ पे एडवेंचर ही नहीं दिखेगा, इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एक कार है, अब जीप ने पूछा था यहाँ पे इसी कार का एक्सीडेंट, तो इन्होंने कहा था रात के टाइम कोई पिकनिक मनाने, मतलब कि बाहर से के टूरिस्ट आए होंगे, तो ठीक है क्या वो आए होंगे, अब उनकी कार किसी कारण यहाँ पे चल गई, तो मतलब इंसीडेंट भी होते, मतलब कहता है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी गाइडेंस में ही है। कुछ लोग होते हैं अनएक्सपीरियंस होते हैं या कुछ हो सकता है वैसे कुछ इंसिडेंट हो गए, एक तो गर्मी बहुत रहती है उस करके यहाँ पे ये सीन देखने को मिला है। बाकी सीन देखे गए। सो गाइस डेजर्ट सफारी हो चुकी है, ठीक है उससे हम यहाँ बाहर आ गए, अभी हम कैंप में जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आप देखते हैं जितनी भी कार्स हैं जो भी डेजर्ट सफारी से आ रही हैं उनका टायर का कुछ प्रेशर का होता सीन, तो वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ज़्यादा हवा ज़्यादा भरते होंगे कोई भी हिसाब होता होगा। इसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे सुपर मार्केट्स वगैरह भी हैं, अगर आप कुछ यहाँ पे कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम सीधा कैंप में जाएंगे, ठीक है इस तो कैंप का जो भी सीन होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी पीछे मार्केट देख सकते हैं तो हवा भरने का यहाँ पर ज़्यादा है, बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कुछ बंदर वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है, बाकी आपको उसके करा सकते हैं।